इंग्लैंड के खिलाफ पांचवे और निर्णायक टी20 मुकाबले में बतौर ओपनर उतरकर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले कप्तान विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पांचवे मैच से पहले विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में कुल 83 पारियों में महज 7 बार ही पारी का आगाज किया था, मगर जब लंबे समय बाद वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। भारतीय कप्तान ने 52 गेंदों पर नाबाद 80 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड को 225 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके बाद मेहमान टीम ने निर्धारित ओवरों में महज 188 रन बनाकर मैच 36 रनों से गवा दिया। भारत ने पांचवा मुकाबला 36 रनों से जीतकर सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए आईपीएल के इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद कहा कि मैंने पहले विभिन्न क्रम पर बल्लेबाजी की, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि हमारे पास काफी मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और ये आपके दो बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में है, इसलिए मैं रोहित के साथ शीर्ष पर पार्टनरशिप करना चाहूंगा और इसी लय को वर्ल्ड कप में भी जारी रखना चाहूंगा। भारतीय कप्तान ने कहा कि वो आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ओपनिंग करेंगे। आखिरी मैच में टीम के प्रदर्शन पर विराट कोहली ने कहा कि इस मुकाबले में क्लासिक रोहित शर्मा नजर आए और फिर नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, फिर हार्दिक पांड्या ने इसे खत्म किया। हमारे लिए ये संपूर्ण मैच था, हमने सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था, यहाँ तक कि इतनी अधिक ड्यू के साथ पिछले मैच की तरह लक्ष्य का बचाव करने में हम काफी आसानी से सफल रहे हैं। कहते हैं टी20 क्रिकेट में आपके दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ खुद को प्रमोट करेंगे और टी20 विश्व कप में वो भारतीय टीम के लिए ओपन करते दिख सकते हैं। बहरहाल विराट कोहली के इस नए बैटिंग पोजीशन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।